नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक डिजिटल डीएस में। दोस्तों, आज एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट थर्ड है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के बाकी फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने एक पैराग्राफ टेक्स्ट पहले ही लिख रखा है आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो होम टैब में जो आज का टॉपिक हमने रखा है, वो दो चार सब टॉपिक्स हैं, जिसमें कि एक है आपका ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये है आपका फंट कलर, और भी आगे काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी टेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हम लाइन नंबर टू में ये टेक्स्ट चाहते हैं कि हाईलाइट हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बिना सिलेक्शन के कोई भी काम आप एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया। ये देखें आप, बाकी टेक्स्ट से ये अलग हो गया, क्योंकि वो पोर्शन का टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हाईलाइट कर दिया गया है। इसके बाद आप देखें दोस्तों, ये है फंट कलर। अभी फंट कलर आपका ब्लैक दिख रहा है, अगर हम उसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चाहे तो आप जो भी कलर चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अब ये हो गया आपका रेड। दूसरा कोई कलर लेना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया आपका फंट कलर। इसके बाद आइए देखते हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टैब के अंदर सब टैब बना हुआ है, ये है आपका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अब लाइन स्पेसिंग क्या करता है दोस्तों, कि लाइन स्पेसिंग आपकी ये जो पूरे पैराग्राफ के बीच में लाइंस के बीच में स्पेस है, उनको कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पेसिंग और हो जाए, बढ़ जाए, तो आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी स्पेस देना चाहते हैं, जो भी स्पेस, तो आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए 2.0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिंग हो गया है। स्पेसिंग में और भी आप देखें, यहाँ पे जैसे 1.15 लेना है, तो आप देख सकते हैं लाइंस के बीच में स्पेस आ रहा है। रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी अगर आपके पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस होगा तो अभी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप दोस्तों, ये है शेडिंग। शेडिंग का मतलब है कि जो भी टेक्स्ट है आपका, उस टेक्स्ट के पीछे कोई कलर देना, शेड देना। ये देखें, जो भी कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी शेड आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग बॉर्डर पे। ये बॉर्डर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी एक बढ़िया लुक देने के लिए आपके डॉक्यूमेंट पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्रीटिंग कार्ड ही बनाना चाहते हैं, तो बिना बॉर्डर के ग्रीटिंग कार्ड पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप देखें इसी टेक्स्ट को हम एक बॉर्डर दे कितना अच्छा बना सकते हैं। कई तरह के बॉर्डर्स हैं इसमें, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है। अगर बॉटम बॉर्डर करेंगे तो ये रहा बॉटम बॉर्डर। टॉप बॉर्डर करना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, तो टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा। कोई बॉर्डर नहीं चाहते हैं तो एनी टाइम आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन देखें, अगर ऑल बॉर्डर चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए, तो पूरे टेक्स्ट में ही बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आप देखें, तो लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग्स। बॉर्डर एंड शेडिंग्स में कई सारे ऑप्शन आपको और भी मिल जाते हैं, जैसे बॉर्डर्स, सिंपल बॉर्डर्स हैं यहाँ से आप ले सकते हैं, पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर का मतलब फुल बॉर्डर आपके पूरे पेज पे आएगा, और पेज बॉर्डर में अलग अलग स्टाइल्स हैं। अगर चाहते हैं कि जो पेज का बॉर्डर है वो थोड़ा सा डॉटेड लाइंस में आए, तो आप यहाँ से कोई भी लाइंस ले सकते हैं। कलर आप दे सकते हैं यहाँ से, कोई भी कलर सेलेक्ट करके इस तरीके से पॉइंट्स दे सकते हैं, विड्थ चौड़ाई कितनी हो बॉर्डर की वो यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर आपका अप्लाई हो गया है। इसके बाद आप वापस से जाएँ पेज बॉर्डर में, और जैसे ही आप यहाँ पे पेज बॉर्डर करेंगे, तो पेज बॉर्डर में वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी जो आपके स्टाइल में हैं, यानी अप्लाई टू। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो भी बॉर्डर हो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट कर रखा है। आर्ट में कोई भी अगर आप आर्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग आर्ट्स बने हुए हैं, आप कोई भी एक आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और ओके करते ही वो आपके पूरे बॉर्डर पर अप्लाई हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा आपका बॉर्डर, पूरा पेज कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये था पेज बॉर्डर का ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों,
किसी भी टाइम बॉर्डर हटाना है अगर आपको इस पेज से, तो वापस आप जाएं बॉर्डर वाले शेडिंग में और यहाँ पे कर दें नो बॉर्डर, या फिर यहाँ पे जाएं बॉर्डर एंड शेडिंग में और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके यहाँ पे कर दें नन, पेज ऑर्डर जाके कर दें नन और कर दें ओके। तो इस तरीके से आपका पेज बॉर्डर चला जाएगा। पेज बॉर्डर के बाद दोस्तों ये है स्टाइल। अलग अलग स्टाइल्स हैं जो लिखावट आपने की है, यानी जो आपने टाइप किया है टेक्स्ट में, वर्ड में अगर कुछ अलग स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो सारे अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। चेंज स्टाइल में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, स्टाइल सेट है यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए वो चेंज हो रहा है, ट्रेडिशनल करेंगे तो ट्रेडिशनल हो जाएगा। कोई भी कलर देना चाहेंगे तो आप कलर भी दे सकते हैं आसानी से, तो कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सेलेक्ट करिए, कलर्स में जाइए और जो कलर्स आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा कलर्स के अलावा दोस्तों आप देखें तो फंड्स हैं, फंड्स में भी आप अलग अलग फंड्स यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो हमारा MS Word ट्यूटोरियल नंबर 3। अगले वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट टैब के बारे में। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर लिखकर हमको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।